गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टूडे वी विल डिस्कस द एम सी क्यूज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ स्टेट प्रिय विद्यार्थियों उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे इस आशा के साथ आज हम इक्वेशन ऑफ स्टेट पर टॉप फिफ्टीन एम सी क्यूज को आपसे डिस्कस करेंगे आज का वीडियो हमारा बी एस सी सेकेंड ईयर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा साथ ही साथ एमएससी इंट्रेंस पी जी टी असिस्टेंट प्रोफेसर जी आई सी और आई आई टी जैम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी आज का वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉप फिफ्टीन एम सी क्यूज को इक्वेशन ऑफ स्टेट पर क्वेश्चन नंबर वन वेन और रियल गैस ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन क्लोजली कब रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को क्लोजली ओबे करेगा नज़दीकी रूप से फॉलो करेगा ऑप्शन ए एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एट लो प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एट लो प्रेशर एंड हाई टम्परेचर तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर टू द करेक्ट फार्म ऑफ वंडरवॉल्स इक्वेशन इज तो वंडरवाल इक्वेशन का करेक्ट फॉर्म क्या होगा तो आपको मालूम है वंडरवाल इक्वेशन में जो आइडियल गैस इक्वेशन था परफेक्ट गैस इक्वेशन था उसमें प्रेशर में करेक्शन हुआ और वॉल्यूम में करेक्शन हुआ विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट साइज ऑफ मालिक्यूल एंड इंटर मालिकुलर अट्रैक्शन और इस करेक्शन के बाद आपको मालूम चला कि प्रेशर पी नहीं बल्कि पी से थोड़ा अधिक होगा दैट इज पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और वॉलूम वी नहीं बल्कि वी से थोड़ा कम होगा दैट इज माइनस पी तो इस तरह से करेक्ट प्रेशर लिया गया रियल गैस के लिए वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट में पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और करेक्ट वॉल्यूम लिया गया वी माइनस वी तो इस तरह से पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट करेक्शन टर्म्स करेक्शन टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टेटमेंट सही है ऑप्शन ए द कोफिशियंट ए वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द मालिक्यूल्स बिल्कुल सही है पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर आता है तो ए कहाँ से आया है इंटर अट्रैक्शन से आया है बी द टर्म ए पॉन वी स्क्वायर इज कार्ड द फोर्स ऑफ कोहेशन बिल्कुल सही है ए पॉन वी स्क्वायर को फोर्स ऑफ कोहेशन कहते हैं ऑप्शन सी द कोफिशियनट बी वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अकाउंट फॉर द वॉल्यूम ऑफ द मालिक्यूल्स एंड इज नोन एज को वॉल्यूम तो इस तरह से ऑप्शन ए भी सही है ऑप्शन बी भी सही है ऑप्शन सी भी सही है तो डी जो है ऑल द मेंशन सही है तो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फोर द डाइमेंसन्स ऑफ द कांस्टेंट बी इन वंडरवाल्स गैस इक्वेशन आर जो वंडरवाल गैस इक्वेशन में जो वंडरवाल कांस्टेंट बी है इसका डायमेंशन क्या होगा तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए बी को आप वॉल्यूम के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिजिक्स कहती है कि एक तरह की राशि में से ही उसी तरह की राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है इसका मतलब है कि v माइनस बी अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर b का भी डायमेंशन वॉल्यूम का ही डायमेंशन होना चाहिए तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है एंड एंड्र्यूज एक्सपेरिमेंट इट वॉज़ फाउंड दैट सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी लिक्विफाइड ओनली बिलो तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंड्रूज एक्सपेरिमेंट में एक विशेष टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मिला जिसको हम लोगों ने क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम दिया और वो थर्टी वन पॉइंट वन डिग्री सेंटीग्रेड था आपने देखा कि इस थर्टी वन पॉइंट वन डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के माध्यम से लिक्विफाई नहीं किया जा सका कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट आइडियल गैस की तरफ बर्ताव करने लगी थी तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी थर्टी वन पॉइंट वन डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन नंबर सिक्स बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन बी लिक्विफाइड बाई तो अभी भी जस्ट मैंने बोला है कि बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन ओनली लिक्विफाई विद द हेल्प ऑफ प्रेशर अलोन, ओके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे गैस को आप सिर्फ प्रेशर के माध्यम से लिक्विफाई कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंक्रीजिंग प्रेशर क्वेश्चन नंबर सेवन एट क्रिटिकल पॉइंट डेंसिटी ऑफ वेपर इज तो आपने देखा कि जो क्रिटिकल पॉइंट था उस क्रिटिकल पॉइंट पर जो एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट में आए हुए हरिजेंटल पोर्शन थे हरिजेंटल लाइन थी वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हुई और इस तरह से आपने देखा कि क्रिटिकल पॉइंट पर लिक्विड और गैस का भेद समाप्त हो गया क्योंकि लिक्विड स्टेट और गैस सी एस स्टेट दोनों की डेंसिटी एक समान हो गई तो क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इक्वल टू दैट ऑफ लिक्विड क्रिटिकल पॉइंट पर जो डेंसिटी होगी वह वेपर और लिक्विड की एक दूसरे के बराबर होगी क्वेश्चन नंबर एट एट क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज़ कॉल्ड तो क्रिटिकल पॉइंट जो होता है आपने देखा कि एंड्रोज एक्सपेरिमेंट में आपको जब आपने ग्राफ प्लाट किया तो उस ग्राफ में आपको प्रेशर इधर मिला इधर वॉल्यूम मिला और जो ग्राफ मिला वह ग्राफ कुछ अगर आपकी सुविधा के लिए आप इस तरह का बिहेवियर बनाते हैं तो ग्राफ क्या मिला ये ऐसे टच करके निकल गया था तो ये क्रिटिकल पॉइंट अगर पी था तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिएगा तो जो आया वालूम ये कहलाएगा क्रिटिकल वालूम व्ही सी यहाँ से अगर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर आपने डाला तो जो प्रेशर आया वो पी सी और इस आइसोथर्मल को जिस टेम्परेचर पर प्लाट किया गया उसको कहा गया टी सी तो इसका मतलब है कि एट क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम तो क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर नाइन क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी इन टर्म्स ऑफ वंडरवाल कॉन्स्टेंट्स इज तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी इज इक्वल टू होता है एट ए अपान ट्वेंटी सेवन आर बी तो क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर टेन फॉर टू गैसेस पी वन अपान पी सी वन इज इक्वल टू पी टू अपान पी सी टू एंड वी वन अपान वी सी वन इज इक्वल टू वी टू अपान वी सी टू देन दे विल बी इन कॉरेस्पोंडिंग स्टेट इफ तो एग्जैक्टली exactly ये जो रिलेशन दिया गया है ये कुछ और नहीं अगर आपको रिड्यूस्ड प्रेशर रिड्यूस्ड वॉल्यूम याद आ रहा हो तो आप कहते हैं कि प्रेशर अपान इट्स क्रिटिकल वैल्यू विच इज़ इक्वल टू रिड्यूस्ड प्रेशर वॉल्यूम अपान इट्स क्रिटिकल वैल्यू विच इज़ इक्वल टू रिड्यूस्ड वॉल्यूम और टम्परेचर अपान इट्स क्रिटिकल वैल्यू इज इज इक्वल टू रिड्यूस्ड टम्परेचर तो अगर कोई दो गैस है जिनमें से एक गैस को आपने वन से डिनोट किया दूसरे को टू से डिनोट किया है तो अगर दोनों गैसेस के लिए क्रिटिकल मतलब प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर का रेशियो एक दूसरे के बराबर है और वॉल्यूम और क्रिटिकल वॉल्यूम का रेशियो एक दूसरे के बराबर है तो निश्चित तौर पर टम्परेचर और क्रिटिकल टम्परेचर का रेशियो भी एक दूसरे के बराबर होगा या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर दोनों गैसेस के लिए रिड्यूस्ड प्रेशर एक दूसरे के बराबर है रिड्यूस्ड वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर है तो निश्चित तौर पर दोनों के लिए रिड्यूस्ड टेम्परेचर भी एक दूसरे के बराबर होगा दैट इज टी वन अपान टी सी वन इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी सी टू इज़ द करेक्ट ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर टेन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर इलेवन वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल कोफ़िसियंट आर टी सी अपान पी सी वी सी ऑफ अ गैस इज तो यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम की जब वैल्यू रखेंगे तो जो वैल्यू आती है ये आती है एट अपान थ्री आठ बटे तीन तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यही एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिटिकल कोफ़िशियंट का एट अपान थ्री जो आया इसको वंडरवाल ने कहा कि दिस इज सेम फॉर ऑल द गैसेस बट द मेन लिमिटेशन ऑफ वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज दैट वंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी आर वेरी स्मॉल बट इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम गैस टू गैस दे फॉर ईच गैसेस द वैल्यू ऑफ टी सी पी सी वी सी आर डिफरेंट सो दिस रेशियो आर टी सी अपॉन पी सी वी सी इज आल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्लैसेस दिस इज़ द मेन लिमिटेशंस तो यही मुख्य लिमिटेशन के तौर पर आया तो कैसे क्वेश्चन नंबर इलेवन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी और मैंने इससे संबंधित इसलिए थियोरी को आपसे एक्सप्लेन किया ताकि आपको इससे संबंधित कोई और एम सी क्यू पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकें रिड्यूस्ड इक्वेसन ऑफ स्टेट इज P प्लस ए अपन V स्क्वायर इंटू V माइनस वी इज इक्वल टू जीरो दिस इज नॉट करेक्ट P plus a ए v square into V स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टू दिस इज वंडर वाली इक्वेशन ऑफ स्टेट Reduced इक्वेशन ऑफ स्टेट में A और B के कारण से जो वंडर वाली इक्वेशन ऑफ स्टेट में समस्याएं आई थी उसको दूर किया गया और कहा गया कि चूंकि A और B जो है वो गैस टू गैस वेरी करेगा तो इसलिए वंडर वाली इक्वेशन ऑफ स्टेट हर गैस के लिए डिफरेंट होगा अगर इस वंडर वाली इक्वेशन ऑफ स्टेट को A और B से आप फ्री कर दें तो निश्चित तौर पर आप किसी भी गैस के लिए एक यूनिफार्म इक्वेशन पा सकते हैं और उस क्रम में आपने रिड्यूस्ड प्रेशर रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर के टर्म में एक इक्वेशन एक ऑफ स्टेट दिया जिसको सेम टू सेम वैसे ही लिखते हैं जैसे वंडर वाले इक्वेशन ऑफ़ स्टेट लिखते हैं उस फॉर्म में लिखने की वजह से उसको कई जगहों पर रिड्यूस्ड वंडर वाले इक्वेशन ऑफ स्टेट का भी नाम दिया जाता है तो यहाँ मैंने देखिए लिख रखा है कि रिड्यूस्ड प्रेशर को सवाल में अल्फ़ा से लिखा गया है रिड्यूस्ड वॉल्यूम को बीटा से रिड्यूस्ड टेम्परेचर को गामा से इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा प्लस थ्री अपॉन बीटा स्क्वायर इन टू थ्री बीटा माइनस वन इज इक्वल टू एट गामा तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्टीन इक्वेशन ऑफ़ बायल टेम्परेचर इज बायल टेम्परेचर क्या होता है तो कहा जाता है बायल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच गैस फॉलोज बायल्स लाक कम्प्लीटली दैट इज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाइल्स टेम्परेचर कितने के बराबर होता है तो टी वी इज इक्वल टू ए अपान आर बी होता है तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन टू गैसेस आर हैविंग सेम रिड्यूस्ड प्रेशर एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर द गैस हैविंग हाई मालिकुलर वेट तो आपको मालूम होना चाहिए कि मालिकुलर वेट से वॉल्यूम का रिड्यूस्ड वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं होता है इसलिए आप पाएंगे कि अभी ऊपर के सवाल में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी दो गैस के लिए दो रिड्यूस्ड वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगी तो तीसरी भी एक दूसरे के श्योर बराबर होंगी यहाँ साफ़ तौर पर देख रहे हैं रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूड टेम्परेचर दोनों गैसेज के लिए सेम है तो निश्चित तौर पर हाई मेलिकुलर वेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी एक दूसरे के बराबर होगा तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी दे आर रिड्यूस्ड वॉल्यूम इज सेम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन रिलेशन बिटवीन टी आई टी बी एंड टी सी इज टी आई दट इज़ टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन टी बी बाइल्स टेम्परेचर टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर आपको तीनों की वैल्यू यहाँ मालूम है रिलेशन अगर पता करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए टी में 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या यू कहें कि तीनों क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बायल टेम्परेचर और साथ ही साथ क्रिटिकल टेम्परेचर में आप 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस स्थिति में अगर आप देखें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी टी आई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 54 फोर ए अपॉन आर बी फिर बी मिल जाएगा आपको ट्वेंटी सेवन ए अपॉन आर बी टी सी मिल जाएगा वो कितने के बराबर वो मिल जाएगा आपको एट ए अपान आर बी तो यहाँ देख लीजिए ए अपान आर बी तीनों में कामन है फिफ्टी फोर सबसे बड़ा है उसके बाद ट्वेंटी सेवन फिर एट तो इस तरह से आप पाएंगे टी आई इज ग्रेटर दैन टी बी एंड टी बी इज ग्रेटर दैन टी सी तो यहाँ से साफ तौर पर दिख रहा है टी आई इज ग्रेटर दैन टी बी एंड टी बी इज ग्रेटर दैन टी सी ये आपका रिलेशन होल्ड होगा तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ओके तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन तो डियर स्टूडेंट आज हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट के बेसिक क्वेश्चन को बहुत डिस्कस किया है जो डायरेक्ट फैक्ट और फार्मूले पर बेस्ड हैं और छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं ये आपको ध्यान रखना है इसलिए आप जब भी किसी चैप्टर के एम को जानने की ओर चले तो उस चैप्टर के समरी नोट्स को ज़रूर आप पढ़े रहें क्योंकि समरी नोट्स अगर आप पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में ऑप्शन देख करके और क्वेश्चन को पढ़ने पर अपने आप चीज़ें क्लिक करेंगे और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके एग्ज़ामिनेशन के पर्पज़ से और आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन के पर्पज़ से काफ़ी यूज़फुल होगा तो आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे इस लेक्चर के पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं जिसमें बहुत से विद्यार्थी हैं वो आपस में डिस्कशन करते हुए अपनी पढ़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और मेरी जितनी भी सहयोग है उसमें मिल रहा है जो मुझे भी अनदर एम सी क्यूज़ मिल रहे हैं मैं भी उसमें फॉरवर्ड कर रहा हूँ और जो बच्चे पा रहे हैं वो भी उसमें फॉरवर्ड करते रह रहे हैं जिससे एक दूसरे के साथ एम सी क्यू क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है और उसका भरपूर रूप से विद्यार्थी लाभ रह रहे हैं तो आज की क्लास के लिए इतना ही धन्यवाद